अरे राहुल, ये क्या करते जा रहे हो तुम? किसी जमाने में तुम्हें धोखा पहाड़ा याद हुआ करता था। धोखा पहाड़ा भी तुम भूल गए? लोग पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, तुम पीछे होते चले जा रहे हो। चलो ये बताओ, हड़प्पा? अरे रुको मोदी सर जी, रुको। आपने हड़प्पा बोला, मैं तुरंत समझ गया आप ये पूछने वाले हो कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, मुझे पता नहीं है कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। बहरहाल, तुम तो टीचर के सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दे रहे हो, कमाल है। सोनिया जी, आप मेरे स्कूल में टीचर हैं और सब लोगों को पढ़ाती हो, तो किस तरीके से पढ़ाती हो? किसी को कुछ भी याद नहीं है। लगता है तुम्हें टीचर की नौकरी से निकालना पड़ेगा। अरे मोदी सर जी, अगर मम्मी को टीचर की नौकरी से निकालना है तो निकाल दो। इन्हीं की वजह से तो मैं स्कूल में रुका पड़ा हूँ कि मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है, नहीं तो मैं कब का भाग गया होता इस स्कूल से। मेरे बेटे राहुल, इस तरीके की बातें नहीं करते, क्यों भड़क जाता है तू जरा जरा सी बात पर? चल एबीसीडी सुना। एबीसीडी मैंने तुझे घर पर याद कराई थी, वो सुना? अरे मम्मी जी, कितनी बार एबीसीडी सुनाऊं? दिन भर में 5 बार आप एबीसीडी पूछती हो मुझसे कि एबीसीडी याद हुई कि नहीं हुई। मैं एक ही जवाब देता हूँ कि मुझे नहीं याद हुई, फिर भी आप पूछती रहती हो, ये कोई बात है? लालू जी, आप पीछे छुपकर कहाँ बैठी हो, आगे आकर बैठो। मोदी सर जी, क्या बताऊं, ये छोटा सा स्कूल का कमरा है, मैं तो चाहता हूँ आपके सामने नजर ही ना पड़ूं। जब भी आपके सामने नजर पड़ो आप धोखा पहाड़ा सुनने लगते हो। धोखा पहाड़ा जब हमें याद ही नहीं है तो कहाँ से सुना है? अरे मोदी सर जी, एक गणित का सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, जरा मेरे पास में आकर बताना, सॉल्व करना इस सवाल को। ये बताओ, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ या तुम्हारा क्लास टीचर हूँ? क्लास टीचर तो सोनिया जी है, सोनिया जी से सवाल को सॉल्व करवाओ। क्या बताऊँ अखिलेश, मैं ये पढ़ाई उड़ाई तो करना ही नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आराम से खेती बाड़ी करूँ और खूब पैसा कमाऊँ। केजरीवाल जी, क्या हल्के हल्के बोल रहे हो, जोर से बोलो, जोर से बताओ, क्या दिक्कत है? अरे मोदी सर जी, मैं अखिलेश से ये कह रहा था कि हम सब लोगों को लगन से पढ़ाई करना चाहिए। ये बताओ मोदी सर जी, ये जरा सा तो इस क्लासरूम है और जरा से क्लासरूम में आप दो दो टीचर खड़े होकर पढ़ाते हो हम लोगों को। जब दो टीचर सामने खड़े होते हो तो हमारा जो याद हुआ हुआ होता है वो तो वैसे भूल जाते हैं हम, हड़बड़ाहट में। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बेटे राहुल, तू ये बता, तू मुझे यहाँ पर क्यों बुलाकर लाया है? मोदी जी के पास बुलाकर क्यों लाया है? ये तो ऊन बेच रहे हैं। अरे मम्मी जी, ये तो आप जानती हो कि ऊन से क्या बनता है, ऊन से स्वेटर बनता है। आपने 10 साल पहले मेरी एक ऊन से स्वेटर बुन के दी थी, वो स्वेटर मुझे बहुत पसंद आई थी। अब मैं चाहता हूँ आप ये मोदी जी से ऊन खरीदो और मेरे लिए एक स्वेटर बुन दो, बहुत मजा आएगा पहनने में। अरे मेरे बेटे राहुल, कैसी बात करता है, मई का महीना आने वाला है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है और तू स्वेटर पहनेगा? और मुझे ये मोदी जी की ऊन भी अच्छी नहीं लग रही है। देखो सोनिया जी, तुम या राहुल मुझसे ऊन खरीदो या मत खरीदो, ये तुम्हारा आपसी मैटर है, लेकिन मेरे ऊन पर जरा सी भी उंगली मत उठाना, क्योंकि मैं प्योर भेड़ की ऊन बेचता हूँ। इस गांव में आधे लोग मेरे ऊन से बनी हुई स्वेटर ही पहनती है। खरीद लो, 2 किलो ऊन खरीद लो, 2 किलो ऊन में राहुल का पूरा स्वेटर बुन जाएगा। लेकिन मोदी जी, आप गर्मी में ऊन बेचते फिर रहे हो, गर्मी में कौन स्वेटर बुनकर पहनता है ये बताओ मुझे, सर्दी में स्वेटर पहनी जाती है। अरे सोनिया जी, आप भी बेफालतू की बात करती हो, अगर तुम अभी राहुल के स्वेटर के लिए ऊन खरीदोगी तो स्वेटर बुनने में भी तो 2-3 महीने लग जाएंगे, तब तक सर्दी आ जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी, सर्दी में राहुल स्वेटर पहन लेगा। हाँ मम्मी जी, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पीले कलर की मोदी जी से 2 किलो ऊन खरीद लो, मेरी स्वेटर बुन दो, 3-4 महीने में बुन जाएगी, तब तक सर्दी आ जाएगी, सर्दी में मैं पहन लूंगा स्वेटर को। मेरे बेटे राहुल, तुझे मैं रेडीमेड स्वेटर दिलवा दूंगी, स्वेटर बुनने में बहुत टाइम लगता है, हाथ थक जाते हैं स्वेटर बुनते बुनते। सोनिया जी, आप भी अजीब बात करती हो, जो मेरे ऊन से बनी हुई स्वेटर हो जाएगी वो रेडीमेड स्वेटर थोड़ी हो जाएगी, वो ठंड बिल्कुल नहीं भगाएगी, इसीलिए मेरे ऊन से स्वेटर बनाकर पहनाओ राहुल को। मेरा ऊन का बहुत बड़ा कारोबार है, कम से कम साल भर में 10 क्विंटल ऊन बेच देता हूँ। अगर लोगों को रेडीमेड स्वेटर पहनना पसंद होता तो मेरी ऊन क्यों खरीदते, इसीलिए मेरी ऊन खरीद लो और राहुल के लिए एक स्वेटर बना दो, बुन दो एक स्वेटर। चलो जब राहुल इतनी इज्जत कर रहा है तो 2 किलो पीली वाली ऊन दे दो, स्वेटर बना दूंगी इसकी, और क्या करूं। और भाई लोगों को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बेटे राहुल, तू खाली फिरता रहता है, एक आध टोकरी तू भी अपने सर पर रख लिया कर, बिल्कुल काम ही नहीं करना चाहता है। मम्मी जी, कितना भी काम कर लो, आप कहती यही रहती है कि काम करो काम करो। अभी परसों तो मैं अमित शाह जी के खेतों में काम करके आया था, 200 रुपए कमा कर लाया था कि नहीं लाया था? आप ही को तो ला कर दिए थे वो पैसे मैंने आपके हाथ में। लाया तो था मेरे बेटे, लेकिन रोज काम किया कर, तू परसों काम करने गया था, परसों के बाद तू कल भी काम करने नहीं गया, आज भी काम करने नहीं गया,
एक दिन काम करता है, चार दिन खाली रहता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? देख मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ। अरे मोदी जी आ गए, आप भी समझाओ मोदी जी इस राहुल को। अरे सोनिया जी क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात हो गई? अरे मेरे खेतों में गेहूं की कटाई चल रही है, क्या काम करोगी? तुम जितनी भी महिलाओं हो मजदूरी पर आ जाओ, तुम मायावती जी, ममता दीदी, प्रियंका आ जाओ, सब लोग काम पर, गेहूं की कटाई पर। इतनी मेहनत भी नहीं है गेहूं की कटाई में, आप ये सर पर टोकरी भरकर इतनी लकड़ी और सूखे पत्ते लेके जाती हो, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेहनत तो लगती है मोदी जी, लेकिन ये बताओ मजदूरी क्या मिलेगी? मजदूरी भी तो ज्यादा मिलती है हमें टोकरी से सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते ढोने में। अरे कितनी मजदूरी मिलती है, मैं भी तुम्हें उतनी मजदूरी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी गेहूं की कटाई पर आ जाओ। मुझे मालूम है तुम योगी जी के लिए काम कर रही हो, ये टोकरी पर सूखे पत्ते उन्हीं के घर ले जाकर डालती हूँ। मोदी जी हम महिलाएं काम पर नहीं जा पाएंगी, हम तो लगातार काम योगी जी का ही कर रहे हैं। ऐसा करो इस राहुल को काम पर ले जाओ, राहुल को, राहुल तू काम पर चला जा मोदी जी के, गेहूं की कटाई पर, ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अरे नहीं मम्मी जी मैं काम ऊपर नहीं जाऊंगा, ये मोदी जी कहते हैं कि ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, जब काम पर जाओ वहाँ पर तो बहुत काम करवाते हैं ये, और दिहाड़ी वही 100 रुपए दिन देते हैं। मोदी जी मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ, मैं योगी जी का काम छोड़ रही हूँ आज ही से, क्योंकि ये सर पर बहुत वजन लदवाते हैं। मैं आज ही से आपके गेहूं की कटाई पर मजदूरी पर आऊंगी, ये बताओ दिहाड़ी कितनी मिलेगी? राहुल सही कह रहा है, कहीं 100 रुपए दिन तो ना दोगे? बताओ कितने रुपए दिन दोगे? ममता दीदी मुझे ज्यादा बात तो आती नहीं है, अभी तक मैं 100 रुपए दिन ही मजदूरी देता था, लेकिन राहुल की बात पर मैं 110 रुपए दिन की मजदूरी दूंगा, आना चाहो काम पर आ जाओ। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप महिला मजदूर हो, इसलिए दे रहा हूँ। राहुल को तो मैं 100 रुपए दिन ही देता। तो मोदी जी मैं आपके काम पर कौन सा आने वाला हूँ, इन महिलाओं को ही काम पर ले जाओ गेहूं की कटाई पर, मैं नहीं जाऊंगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।